6.1 है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर वन में डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास 9 दिया गया, तो बाइनरी 2 को कहते हैं और डेसिमल 10 बेस को कहते हैं। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 2 का टेबल पढ़े हम, 2 5 10 होता है, 10 बड़ा होगा उससे छोटा होता है, 2 4 8 4 8। अब ये 9 है, कितने बचेंगे, 2 4 8 और 1 9 होता है। अगर मैं इसको इधर राफ में करूँ, 2 4 8 कितने बचे, 1। ठीक है, ये 1 यहाँ आ जाता है ऐसे, 2 2 4 पूरा डिवाइड हो जाए तो कुछ नहीं बचता, तो 0 लगा लेने। ठीक है, फिर 2 1 2 ये पूरा तकसीम हो गया था 0। इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे। ठीक है, 1 0 0 1 और ये बेस आ गई 2। ठीक है जी, आगे इसका सेकंड पार्ट है 28। टू वन दर 2, 2 4 8 पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 लगाएंगे, 2 7 14 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 लगाएंगे, 2 3 6 7 है 1 बचेगा आगे ले जाएंगे, 2 1 2 1 बचेगा आगे ले जाएंगे। ठीक है जी, अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे 1 1 1 0 0 और ये चूंकि बाइनरी में होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 आ जाएगा। ओके जी, आगे इसका है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 81। 2 4 8 अब ये 1 बच गया, तो यहाँ लगाएंगे 0 और 1 आगे चला जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट पे 1 बच जाए तो 0 लगा के इसको आगे ले जाना। 2 2 4 अब ये 0 है तो यहाँ भी 0 लगाएंगे और आगे भी 0 आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में 2 20 40 होते हैं, तो पूरा डिवाइड हो गया इसलिए आगे 0 आ जाएगा। 2 10 20 पूरा डिवाइड हो गया, तो आगे जब पूरा डिवाइड होगा तो आगे 0 चला जाएगा। 2 5 10 पूरा डिवाइड हो गया, आगे 0 आ जाएगा। 2 2 4 5 है ना, 1 बच जाएगा, उसको आगे ले जाएंगे। 2 1 2 पूरा डिवाइड हो गया, तो आगे 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये वाले हम लिख लेंगे, 101 0 0 0 and 1 ये आगे 2 बेस में। ओके जी, ये थे हमारा तीसरा पार्ट। ठीक है, आगे है जी चौथा पार्ट। अठारह। ठीक है, तो 2 2 4 कितने बचे यहाँ से, 1 ये हो जाएगा 11। 2 5 10 फिर 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18, 2 9 18 पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0 आ जाएगा। 2 1 2 2 2 4 1 कैरी होगा तो 19, 2 9 18 एक बचेगा 19 वो आगे चला जाएगा। 2 6 12 2 4 8 1 बचेगा आगे ले जाएंगे। 2 3 6 2 2 4 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 आगे आ जाएगा। 2 1 2 1 कैरी 12 हो गया, 2 6 12 आगे 0 आ जाएगा। जब जब पूरा तकसीम होगा तो आगे रिमाइंडर 0 आ जाता है ना। 2 8 16 पूरा डिवाइड हो गया तो 0।
4 ज़ार 8 पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0, 2 2 ज़ार 4 पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0, ठीक है, 2 1 ज़ार 2 पूरा डिवाइड हो गया तो आगे 0 आ जाएगा। अब इसको आंसर को कैसे लिखेंगे, 1 और ये 1 2 3 4 5 6 0 और फिर डबल 1 0 और ये आ गई हमारी बेस 2, ठीक है जी। ये था जी 4 वाला पार्ट। आगे है जी 5th वाला पार्ट, और ये फिफ्थ वाला पार्ट है हमारा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, 7 8 6, 2 3 ज़ार 6 वन कैरी होगा 18, 2 9 ज़ार 18 एंड 2 3 ज़ार 6 पूरा डिवाइड हो गया तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ार 2 वन कैरी 19 हो जाएगा, 2 9 ज़ार 18 फिर 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 तो 13 है ना, तो 1 आगे चला जाएगा, 2 9 ज़ार 18 1 कैरी 16, 2 8 ज़ार 16 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0, 2 4 ज़ार 8 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18 पूरा डिवाइड हो जाए तो 0, 49 7 ये नहीं सॉरी 2 पे ही रहना है हमने, क्योंकि हमने इसको बाइनरी में करना है, 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 पूरा डिवाइड हो जाए तो यहाँ 1 लगाएंगे, पूरा नहीं हुआ ना 9 था इसलिए, 2 1 2 2 4 पूरा डिवाइड हो गया तो 0, 2 6 ज़ार 12 0, 2 3 ज़ार 6 0, 2 1 ज़ार 2 1 कैरी, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसके आगे है जी 640, 2 3 6 2 2 4 0 था, मैंने कहा 0 बचे लास्ट पे तो 0 लगा के आगे भी 0 ही लगाना है, आगे 2 1 2 कैरी 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ार 12 0 बचा, 0 लगा के आगे भी 0 लगाएंगे, 2 8 ज़ार 16 0 का 0 और आगे भी 0, 2 4 ज़ार 8 0 का 0 आगे भी 0, 2 2 4 0 का 0 एंड आगे भी 0, 2 10 20 आगे 0, 2 5 10 पूरा डिवाइड जो हो जाए तो आगे 0, 2 2 4 1 कैरी, 2 1 2 पूरा डिवाइड हो गया तो 0, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब है जी फ्रैक्शन वाला, ठीक है, फ्रैक्शन वाला कैसे करेंगे, 25.625 तो जो पॉइंट के पहले वाला हिस्सा होता है उसको तो आपने वैसे ही करना है, 2 1 2 2 2 4 1 कैरी, 2 6 12 पूरा डिवाइड हो गया 0, 2 3 6 0, 2 1 2 1 कैरी, जो पॉइंट वाला हिस्सा है 625 इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये देखें 0.625 मल्टीप्लाई 2 ये आ गया 1.25, 1.25। अब ये जो इधर वाला है इसको यहाँ लिख लेंगे और 0.25 को आगे ले जाएंगे और फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई 2 तो ये 0.5 आ गया, 0.5। अब जो इधर वाला हिस्सा है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल पार्ट और ये फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट को फिर आगे ले जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई 2, तब तक करना होता है जब तक ये पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म ना हो जाए,
पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टू, तो ये देखें, ठीक है ये आ गया 1.0, इसको लिख सकते हैं, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये पूरा हो गया। ठीक है, पॉइंट के बाद जब 0 आ जाए तो वहाँ तक इसको करना होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो हम ऐसे लिखते हैं 1101, और फिर पॉइंट लगा के इसको ऊपर से नीचे लिखना होता है जो डेसिमल वैल्यू होती है 101, और ये आ गई बेस 2। ठीक है जी, अब इसका 8 वाला पार्ट करते हैं। तो 8 वाला पार्ट जो है, वन थर्टी फोर को तो ऐसे करेंगे, तो 2 6 12, 1 carry 2 7 14, पूरा डिवाइड हो जाए तो 0, 2 3 6 और फिर 2 3 6, 1 carry आगे चला जाएगा, तो 1 2 13 2 6 12, 1 बचेगा आगे चला जाएगा, 2 8 16 तो आगे 0, 2 4 8 आगे 0, 2 2 4 आगे 0, पूरा डिवाइड हो तो आगे 0 आ जाएगा, 2 1 2 आगे 0। अब जो पॉइंट वाली हिस्सा 158 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 0.158 मल्टीप्लाई 2 0.316, 0 यहाँ लिखेंगे, 0.316 को आगे ले आएंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.316 मल्टीप्लाई 2 0.632, 0.632, 0 इधर ले जाएंगे, 0.632 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.632 मल्टीप्लाई 2 तो ये 1.264, 1.264, ये जो डेसिमल पार्ट है इधर फ्रैक्शन वाले को फिर आगे ले जाएंगे, 0.264 मल्टीप्लाई 2, 0.264 मल्टीप्लाई 2, 0.528, तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और इसको फिर आगे ले देंगे 5 2 8। ठीक है, इसको दोबारा हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2 तो ये आ गया 1.056। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, बस इसको यहीं तक करेंगे, अब ये वाली वैल्यूज लिखेंगे 1100011, और पॉइंट लगा के इनको ऊपर से नीचे लिखेंगे 00101, ये 2 बेस आ गए। लास्ट वाला पार्ट आप खुद कर लें, ठीक है।